तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप खुद का लैंडिंग पेज बना सकते हो फ्री में गूगल साइट की मदद से। तो आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स, आई नो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बट मैं डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर रहा हूँ। अब गूगल साइट्स में आने के बाद यहाँ पे आप अनलिमिटेड साइट्स बना सकते हो। अब अगर आपके पास चाहो तो आप अपने कस्टम डोमेन्स भी ला सकते हो। तो बस मैंने ट्राई के लिए इसको बना डाला है, ये वाला है, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंटर के तौर पर बना सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। चलते हैं बैक और हम चलेंगे एक न्यू पे। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक न्यू बनाना है, तो आपको करना है प्लस पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट भी मिलता है। तो अगर आप टेम्पलेट से शुरुआत करना चाहते हो तो ये तरीका है, ठीक है। हम लास्ट में देखेंगे कैसे हम लोग एक गैलरी वेबसाइट बनाएंगे, एक हम लोग खुद का एक पोर्टफोलियो। तो मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है जो कि मैं डिटेल में बना के दिखाऊंगा आपको, बट एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें एक पेरेंटिंग या फिर एक कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं। तो हमें इसको बनाना है, सिंपली आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और ये सिंपली तुरंत बन के आपके सामने आ जाएगा, और आप इन जगहों को भर देंगे तो आपका ये साइट तैयार है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर लोगो लग चुका है, इसको आप चेंज कर सकते हो अगर ये वाइट नहीं चाहते हो तो। यहाँ पर मेन्यू भी आ रही है, तो अगर आपको मेन्यू चाहिए नहीं चाहिए, वैसे चाहिए तो नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड में अच्छा लगता है ऐसा मतलब ये डायरेक्टली अभी वेबसाइट पे नहीं अच्छा लगता है। तो चीज़ें हैं, चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर्म वगैरह भी आप इम्बेड कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्म बना हुआ है तो, अगर कहीं पे और आपने फॉर्म को बनाया हुआ है। बट बाय द वे, आप गूगल यूज़ कर रहे हो तो गूगल का फॉर्म्स आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सिंपल साइट है, बन गई, तैयार हो गया, और आपको गूगल ने बना के दिखा दिया। मैं चलता हूँ, बनाता हूँ खुद का, ठीक है। कैसे आप स्क्रैच से बना पाओगे? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें एक मान लेते हैं कि एक हमें एक पोर्टफोलियो साइट बनानी है। तो मेरे पास, मैं लैंडिंग पेज का काम करता हूँ, तो मुझे लैंडिंग पेज को हर जगह शोकेस करना है। जैसे कि मेरे पास क्लाइंट जब आते हैं तो पूछें कि आपका काम क्या क्या है, आपने दिखाओ। तो मैं अपने गूगल कीप में जाता हूँ और ये सारे जो पेजेस हैं मैं इसको दे देता हूँ, इतने सारे लिंक्स देता हूँ। इससे बढ़िया मैं एक पेज दे सकता हूँ ना, तो एक में जाके वो दे सकता है बैठ के। तो वो थोड़ी सी काम को आसान करने के लिए हम आज गूगल साइट्स की हेल्प लेंगे। तो चलते हैं, ये हमारा एक आई थिंक न्यू प्रोजेक्ट बन चुका है, नहीं ये तो बैक है। तो चलते हैं न्यू पे, आज क्लिक करेंगे, बनाएंगे और स्क्रैच से दिखाते हैं आपको कि कैसे बनानी है गैलरी साइट। गैलरी साइट या फिर कुछ भी बना सकते हो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या कर सकते हो आप, जब आओगे तो आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, आप थीम यहाँ से चूज़ कर लो, ठीक है। थीम आपको चाहिए कौन सा है, मैं सोच रहा हूँ इस पर जाऊँ और इसके मैं जाऊँगा ब्लैक वर्जन में, या फिर कलर ही पूरा चेंज कर लेता हूँ ब्लैक। तो ये पूरा ब्लैक आ गया, ठीक है। अभी आपको फॉन्ट वगैरह अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। इम्प्रेशन भी करके हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मैं ब्लैक वर्जन चूज़ कर लेता हूँ। मान लेते कि ये जो मेरा पेज है, ये जो मैं पेज बना रहा हूँ, स्लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ पोर्टफोलियो के लिए। तो पोर्टफोलियो के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसको मैं डाल दूँगा नाम, ये डाल दूँगा जो कि अवेलेबल होना भी चाहिए, या फिर मैं लोगो भी ऐड कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास लोगो का समय नहीं है और लोगो बनाने पर टाइम नहीं है, तो लोगो बनाने में टाइम लगेगा ना, तो आप सिंपली लिख करके भी बता सकते हो। तो चलिए मैं एक नाम देता हूँ कि वंडर पेजेस, ओके पेजेस, ये नाम अच्छा है, ठीक है, नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। और यहाँ नाम ये भी यहाँ पे आ चुका है, नाम आपने यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे चला गया। अब मुझे एक और यहाँ पे अबाउट देना है, तो कैसे बनाओगे आप अबाउट? आप जाओगे पेज में, आप देखोगे होम खाली बना हुआ है, तो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं जाऊँगा न्यू में क्लिक करूँगा, एडवांस पे दे सकते हो आप, कस्टम पाथ दे सकते हो, बट नहीं चाहिए हमें। एक हमें नाम देना है अबाउट, करोगे तो अबाउट आ गया, होम भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये होम होम ना रहे, ये पोर्टफोलियो नाम का दिखे, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, अब जाओगे यहाँ पे, अब थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, आपको आएगा एड सबटाइटल, चेंज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, और ये प्रॉपर्टीज़ में आके आप चेंज कर सकते हो, उसका नाम हो गया, मैं देता हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है, अभी सही है, डन कर लेता हूँ। तो हमारा इनिशियल काम रेडी है, ठीक है, इनिशियल हमारा काम रेडी है। अब देखो सारा जो टूल्स है इंसर्ट करने वाला, वो इंसर्ट पर आता है यहाँ पे। जो चीज़ें आप ड्रैग कर सकते हो, जैसे कि आपने यूज़ किया ब्रिजी, एलिमेंटोर, ठीक है, बीवर बिल्डर वगैरह वगैरह यूज़ किया होगा वर्डप्रेस पे। तो जब वर्डप्रेस की बात करें, तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स तो है, बट उस
आपको चाहिए एक सर्वर, जिसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ेगा, जो कि लोग बताते हैं आपको, और ये करना ही पड़ेगा। बात आती है आपको बस सिंपल एक पेज चाहिए जिसमें कुछ खर्चा वगैरह ना आए और गूगल का हो, तो ये गूगल का है और इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो जैसे मान लेते हैं कि आप, मैं देता हूँ कि मैं वंडर पेजेस, ठीक है, ये आ गया, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया। मान लेते हैं कि हमें एक यहाँ पे वीडियो शोकेस करानी है, ठीक है, वीडियो शोकेस कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल जी करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जो डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो भी डिलीट हो जाएगा। तो हमें मान लेते हैं कि हमें एक दूसरा इमेजेस लगाने हैं, तो ये इमेज आ गया यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए इसके, या फिर इसका कलर चेंज करना बैकग्राउंड का, ये कलर चेंज हो गया, बट डिलीट करते हैं। और हमें लगाना एक सिंपल वीडियो, क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग में जो स्टार्ट होती है वो वीडियो से स्टार्ट होती है, तो आप इसको आप ड्रैग नहीं कर सकते इस तरीके से। तो सिंपली आप क्लिक करो यूट्यूब पे और ये यूट्यूब का सेक्शन खुल गया, तो आप अपनी वीडियो को सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ हाउ टू मेक मनी करके एक सर्च कर लेता हूँ, और एक सिंपल सा एक कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो आ गया, देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अभी आपको और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा, ठीक है, और अच्छा लगा क्या, ये बड़ा सा वीडियो हमारा आ चुका है, क्योंकि किसी भी लैंडिंग पेज पे आप सबसे पहले वीडियो देखते हो, वीडियो आ चुका है। पीछे का अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, चलो हम इसको यहीं रखते हैं। तो इस तरीके से अभी हम पोर्टफोलियो पे, तो ये इस समय ब्लैक में दिख रहा है, और ये यहाँ पे, तो इस तरह से आप वीडियो लगा सकते हो कोई भी आके अपने आपके पेज पे। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और वो प्रोडक्ट आपके गूगल मतलब लैंडिंग पेज पे दिखाना, शोकेस करना, समझाना लोगों को, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। अब लीड की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि आप बना रहे हो कोई लैंडिंग पेज, लीड इकट्ठा करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक और ले लेते हैं, आप बीच में थोड़ा टेस्टिमोनियल वगैरह तो दोगे ही दोगे ना, तो इस तरीके से आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे बीच में नाम भी देना है, तो नाम के लिए क्लिक करो, यहाँ पे आ गया, मैं ले लेता हूँ कि दिस इज द वे, ठीक है, हमें इसको बीच में करना है तो हम इसको बीच में कर लेते हैं, ये बीच वाला ये आ गया, ये बीच में आ गया। इसको हम लोग को थोड़ा सा मोटा करना है, मोटा कर लिए, बड़ा करना है तो बड़ा कर लिए, ठीक है, और बड़ा करना है, लो भाई और बड़ा कर लिए, ठीक है। इसको कैपिटल में करना है तो हम इसको पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, और फॉन्ट हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा, ये फॉन्ट ये वाला सेक्शन है, हम लोग फॉन्ट कई सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, अब इसमें से कोई भी चूज़ कर लो, और बहुत ज़्यादा फॉन्ट नहीं बट हाँ फॉन्ट हैं यहाँ पे, अब इसको यहाँ से यूज़ कर लो। हालांकि कस्टम फॉन्ट का पता नहीं ऑप्शन मिलता है कि नहीं यहाँ पे, बट इतने सारे फॉन्ट आई थिंक रोबोटो भी है, रोबोटो का हम लोग ले लेंगे अभी, एक सेकेंड, ये ले लेते हैं, तो काफ़ी यूनिक सा बन जाता है। और इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, दिस इज़ द वे, ठीक है, अभी थोड़ा सा ये थोड़ा फंकी लग रहा है। अभी हमको इसको ऊपर करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे ना तो ऐसे करके ऊपर कर पाओगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना है, ये लो भाई मैच हो गया इससे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को भर सकते हो, यहाँ पे आप फ़ोटो डाल सकते हो, फ़ोटो के लिए भी आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है गूगल से उठाना हो तो सिंपली क्लिक करो और जाओगे गूगल फ़ोटोज़ में, लिखो कि कूल चिड़िया। देखिए मेरे दिमाग कुछ है नहीं, जो भी आ रहा है मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये बर्ड्स आ गए, मैंने बर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और ये बर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना है, बर्ड्स के एग्स दिखाने हो या फिर कुछ और दिखाने हो, आप सिंपली अपलोड भी कर सकते हो, ये तुरंत इमेज आ गया। हम यहाँ पे एक और अपलोड करना है, तो मान लेते हैं कि यही क्वांटम जंपर का, आप क्वांटम जंपर देख रहे हो तो क्वांटम जंपर आ गया। इस तरीके से हमने इतना सारा चीज़ बना दिया है। इसका फिर से अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा तो आप आओगे और इस बारे में इम्पैक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा कूल दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से बना रहे हैं हम लैंडिंग पेज अपना, और हमें कैलेंडर वगैरह तो लगा ही सकते हो आप, और डॉक्स वगैरह भी कुछ हो तो लगा सकते हो, चार्ट्स वगैरह दिखा सकते हो, अगर आपको चार्ट्स दिखाना चार्ट दिखा सकते हो, ठीक है। इसका भी हम कर लेते हैं, ये मैचिंग, ठीक है। फिर जैसे कि हमें स्पेस देना है यहाँ पे, तो स्पेस के लिए देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है,
आप इस पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा, आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, और इसको अच्छे से स्पेस दे सकते हो, बट हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि भत्ता दिख रहा है। जैसे कि आपको स्पेस लगाना है तो आप यहाँ पे आएँ और इसको पकड़ के आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये सब दिखेगा नहीं, हट जाएगा, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए था। और मान लेते हैं कि फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म में चलते हैं, फॉर्म हमने दबाया, क्लिक किया और फॉर्म में चले जाना, गूगल फॉर्म्स में आपके पास जो भी फॉर्म है आप उसको नया बना लेना। जितने भी फॉर्म इनपुट होंगे यहाँ पे आएंगे, तो आप लीड्स इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, लीड्स इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको एक बटन देना है फाइनली, आपको यहाँ पे बटन देना है फाइनली, ऐड फुटर करोगे तो देखो फुटर आ गया, और फुटर में आप चीज़ें ला सकते हो अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फुटर में मैं दिखाता हूँ, अरे ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये करना है मुझे, ठीक है ये करना है, चलो ये फुटर मान लेते हैं कि ये फुटर जो है मेन है, ठीक है। जब भी कोई आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हो ना, तो ये चीज़ आती है, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये आ गया। बाय द वे मैंने इसका एक कंप्लीट साइट बनाया हुआ है कि अगर आपको ये सब चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, तो वो चीज़ आप बना लो और लिंक्स वगैरह दे दो यहाँ पे, और उसको कहाँ पे करना है क्लिक मैं बताता हूँ। जैसे ओपन प्राइवेसी मीडिया, ये आपको एक वेबसाइट है जो चले जाना है, ये मैंने खुद बनाया, आप लोगों के लिए बनाया है, कम्प्लीटली फ्री है, और नेटलिफी पे मैंने इसको होस्ट कर दिया है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर कॉपीराइट पॉलिसी एंड फीस एंड चार्जेस। आपको मालूम है कि जब भी आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हो क्लिक फनल्स के लिए, सॉरी क्लिक बैंक के लिए या फिर किसी भी के लिए, तो आप गूगल एड्स के लिए जाते हो या फिर फेसबुक एड्स के लिए जाते हो, आपको ये सब देना मस्ट है, ये एड्स के लिए ज़रूरी है और ये भी चीज़ देना ज़रूरी है, ये लोगों के लिए गूगल के लिए हो गया, फिर क्लिक बैंक के लिए हो गया, या फिर हर चीज़ के लिए कंपाइल करना ज़रूरी है आपको, ठीक है, ये कंपाइलेशन प्रोसेस है, तो ये आपको ये करना ज़रूरी है। तब जैसे आपको मान लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी देना है, आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पॉलिसी पे और इसको करना है कॉपी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। अब हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं, अब उसे करेंगे कैसे मैं देख लेता हूँ अभी, ये एम्बेड हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो हम एक और करेंगे एडिट फुटर, और हम यहाँ पे अगर फुटर का ऑप्शन अगर होगा तो मैं कर दूँगा, मुझे फुटर का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, होगा ज़रूर क्योंकि फुटर भी बना सकते हो आप आराम से। जैसे मान लेते हैं कि हम जाएंगे टेक्स्ट पे और टेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पर हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे डाल सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, बड़ा हो गया, 9 पे है तो 12 पे कर लेते हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। और फिर हम लोग करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया और डिस्क्लेमर हो गया, ठीक है, ये तीन चीज़ हम दे देते हैं, तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, तीन चीज़, और डिस्क्लेमर हो गया, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा हम लोग दूरी दूरी कर लेते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग यहीं कर लेते हैं, समझ गया, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है, बट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये मैंने बना दिया प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर, आपको इसमें लिंक करना है, आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको लिंक पे जाना है और आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी दे देना है, प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने खोला था ना, ये यहाँ पे कॉपी करके और इसका जो लिंक है खोला मैंने, लिंक पेस्ट कर दिया, ये देखिए
ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, बट ये प्राइवेसी पॉलिसी पूरा पेस्ट भी हो गया। कंट्रोल जी कर लेना है, दोबारा चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये लिंक मैंने पेस्ट किया और प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट है, ये आ गया, ठीक है। ये क्लिकेबल लिंक हो चुका है अभी प्राइवेसी पॉलिसी। उसी तरह कर लेंगे हम टर्म्स और कंडीशन, ठीक है। तो टर्म्स और कंडीशन में जा कर के हम लोग करेंगे इसको टर्म्स और कंडीशन, लिंक हमने पेस्ट किया और ये टर्म्स और कंडीशन है और ये आ गया टर्म्स और कंडीशन। ये हम लोग डिस्क्लेमर को हम लोग हाईलाइट किए, इसका लिंक निकाले और डिस्क्लेमर का ये डिस्क्लेमर आ गया और आ जाएंगे इस पर, ये हम लोग डिस्क्लेमर डाल दिया। दोस्तों हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स और कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये तीनों ही रेडी है और साथ में हमारा जो इसका जो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है नीचे, ये भी हमारा रेडी है। अभी आप इसको ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक कर लो, ओके। ब्लैक हमने कर लिया है लेकिन ये सारे टेक्स्ट गायब हो गया। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके इसका हम लोग का जो कलर है इसको हम लोग करेंगे वाइट, और ये हमारा अभी एक बढ़िया सा फुटर रेडी है, साथ में हमारा टेक्स्ट टू ये सब कुछ रेडी है, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग यहाँ पे एक बटन देंगे, तो बटन पे क्लिक करेंगे और करेंगे इसको नाम दे देते हैं बटन का नाम कि बुक फ्री या फिर डाउनलोड। जैसे मान लो सीपी मार्केटिंग कर रहे हो आप तो डाउनलोड फ्री करोगे, ठीक है। तो डाउनलोड फ्री और डाउनलोड फ्री लिंक का लिंक दे दोगे। तो डाउनलोड फ्री का लिंक के लिए हम एक गूगल का लिंक ले लेते हैं ताकि मैं वो दिखा पाऊँ कि डायरेक्शन जा कहाँ पे रही है। तो ये हमने एक लिंक दे दिया और ये यहाँ पे आ चुका है। आप उसको इस तरीके से बड़ा कर लो या फिर छोटा कर लो, हम उतना बड़ा करेंगे नहीं। इसको आप बीच में जहाँ पे करना हो कर सकते हो। तो ऐसे ये बीच में आ गया और ये डाउनलोड फ्री है। इसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो कैपिटल कर लो, डाउनलोड नाउ, ठीक है। इस तरीके से कर लो आप, ठीक है। ये आ गया डाउनलोड नाउ, तो अच्छा दिख रहा है, काफ़ी प्रीमियम टाइप का भी दिख रहा है। और इस तरीके से आप, ये फ़िलहाल जगह बच रहा है इतना सारा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए कैसे होगा, इसको हटाने का तरीका क्या है। ये फुटर तो आ गया है, इतने सारा जगह छूट रहा है, ये जगह को मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे हटेगा। बाय द वे हम इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे स्पेसर, स्पेसर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और स्पेसर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, मेरे ख्याल से डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और ये फॉर्म आ चुका है, ये वीडियो आ चुका है और यहाँ पे ये भी है। और यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो बाय द वे, और यहाँ पे क्लिक करके आप वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कस्टम डोमेन ऐड करना होगा तो, और अबाउट है वगैरह वगैरह, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। और फाइनली बन जाता है ये आपका एक लैंडिंग पेज। तो मैं पब्लिश करूँगा जब आप, तो फ्री में चाहते हो ना, ये लो फ्री में ये वंडर पेजेस आ गया। और हम इसे करेंगे सिंपली पब्लिश और ये पब्लिश हो चुका है। मैं इसको करूँगा व्यू और इस तरीके से ये खुल जाएगा लैंडिंग पेज। देख के लग रहा है कि आपको कि ये इसको मैंने गूगल साइट बनाया हुआ है। बस ये आ रहा है आपको, ये बोलो ये क्या है, तो ये मेरा लॉगिन है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये चीज़ आपको दिखेगा, तो इस पर जब क्लिक करेगा कोई इंसान तभी आपको उसको दिखेगा कि हाँ गूगल साइट से बना हुआ ये। अदरवाइज ये बहुत ही माइनर है, कोई इसको ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि आपका डोमेन भी फ्री है और होस्टिंग भी फ्री है कम्प्लीटली। तो मैं आपको एक नेक्स्ट ब्राउज़र में दिखाता हूँ, गेस्ट ब्राउज़र में, कि दिख कैसा रहा है। तो ये देखो ये आ चुका है और यहाँ पे अभी कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये छोटा सा आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रिजी में बनाओगे तो वो तो ज़्यादा आएगा। या और इस तरीके से ये लैंडिंग पेज सिंपली गूगल के थ्रू बनाया गया है। और ये देखते हैं कि मोबाइल कंपैटिबल है कि नहीं, तो ये मोबाइल कंपैटिबल भी है दोस्तों, ये बिल्कुल 100% मोबाइल कंपैटिबल के हिसाब से बनाया गया है इसको। और देखते हैं टैबलेट है कि नहीं, टैबलेट भी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से बना दिया गया है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको बाद में ब्लैक कर सकते हैं। हाँ, अबाउट में कुछ भी नहीं है, अबाउट में कोई जाएगा अबाउट खाली है, हम अबाउट को भर सकते हैं। अबाउट में हम जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ यहाँ से ये है मेरा एड्रेस ये है वगैरह वगैरह, आपको जो देना चाहो आप दे सकते हो। कि करना कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि हमें लॉगिन हो जाते हैं दोबारा इस पर, हम इस पर लॉगिन हो गए, ठीक है। अभी हम जाएंगे अबाउट में, ठीक है, मान लेते हैं कि हमें इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना, तो यहाँ पे ये आ गया। और कोलैप्स ग्रुप, अगर कुछ ये कोलैप्स ग्रुप का कुछ है क्या ऑप्शन, ये कोलैप्सिंग वाला है, इसमें ले सकते हो, इस पर क्लिक करेगा तो बढ़ जाएगा, खुल घटेगा बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और टेबल ओबल देना चाहते हो तो टेबल ओबल दे सकते हो, जैसे मैं आपको टेबल देके दिखाता हूँ, ये पूरा टेबल ओबल बना सकते हो, टेबल मुझे बनाना है नहीं बाय द वे। तो अगर सीख लोगे तो काफ़ी आसान है, लिंक्स वगैरह लगाने हैं, प्लेस होल्डर्स लगाने हैं, यूट्यूब की वीडियो लगाने हैं, या फिर डॉक्स का पूरा एक पूरा लेखा जोखा ही डालना है। तो डॉक्स में मेरे बहुत सारे फाइल्स हैं, यू नो, और मैं आपको एक देखे दिखाता हूँ। ये देखो, अबाउट डालना है, सिंपल करो, अपने अगर बना के रखा हुआ है डॉक्स में तो वन क्लिक से सारे के सारे अबाउट आ गए हैं, इस पर क्यों क्लिक करेगा वो भी खुल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिश करके, न्यू चेंजेस आया हुआ है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, और ये हो गया काम हमारा, ठीक है। हम जाते हैं इस पेज में, अब दिखाता हूँ कि ये अबाउट अस खुल चुका है। ओके, सिंपल से लैंडिंग पेज है यार, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो ये खुला है, इस पर जाके अगला बंदा पूरा का पूरा जानकारी उठा सकता है। ये भी खुलता है, तो ये तभी खुलेगा जब इसको आप पब्लिक बना के रखो, ये ऐसे नहीं खुलने वाला है। अगर ये प्राइवेट होगा तो नहीं खुलेगा, आपको इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो आप सिंपली गूगल डॉक्स को भी एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, लेकिन उससे टेक्स्ट का होगा, टेक्स्ट का लैंडिंग पेज होगा, वो काम मत करना। आप जाओ इसको बनाओ सिंपली गूगल साइट से, कम्प्लीटली फ्री है, डिज़ाइन भी कर लोगे, बना भी लोगे, और बस दैट्स इट। और इस तरीके से आपका लैंडिंग पेज रेडी है। इसमें कोई शक है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है? ये सारी चीज़ चेंज हो, ये देख रहे हो ना आप, ये चीज़ चेंज हो जाएगा, दिखाऊँ आपको मैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे ना आप, ये देखो ब्रांड इमेज में जाओगे तो फेबिकॉन का ऑप्शन मिलता है। फेबिकॉन के ऑप्शन में मान लेते कि हम ये ले लेते हैं सिंपली सा, अरे चेंज हो गया, तो कस्टम डोमेन कहाँ गया, ये आ गया, ये चेंज हो गया है, ठीक है। और लोगो भी लगा सकते हो आप, लोगो लगाना है, जैसा मान लो कि हम एक लोगो लगा लेते हैं, लोगो हम इस बार इसी का लगा लेते हैं दोबारा लोगो, ठीक है। लोगो भी चेंज हो गया हमारा, अभी लोगो फेबिकॉन लोगो, ये यहाँ पे लोगो आ गया, लेकिन लोगो हमें लगाना नहीं है। एग्जाम्पल दिखा रहे थे आपको, हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक अपना पोर्टफोलियो साइट बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज मैं वो वीडियो बनाने ही वाला हूँ, तो बनाऊँगा तो आपको पूरा अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लो कि कुछ होते हैं कि आपको अपना वर्क दिखाना होता है, जैसे मान लो कि मेरा एग्जाम्पल ले लो कि मुझे अपना वर्क शो करना है, कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे दिखाना है कि यार ये मैं चीज़ मैंने बनाया है, वो कैसे करोगे आप, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एक जस्ट एग्जाम्पल वीडियो है जो कि आपने देखा, और चाहो तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम का है नहीं, तो मैंने ये बनाया हुआ है और इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये भी करता हूँ डिलीट मैं, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, एक बार ये लोड जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी मैंने कर दूँ, चलो छोड़ देता हूँ, उसमें है क्या। मैं ये टेम्पलेट से ट्राई किया था बाय द वे, तो मैं इस पर काम करने वाला हूँ, उस पर दिखाऊँगा कि कैसे आप काम कर सकते हो, अगर कुछ अच्छा मिलता तो बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको बताऊँगा कैसे आप एक पोर्टफोलियो साइट बना सकते हो, मिलते हैं। और हाँ, आपको डर लग रहा है ना कि मैं डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, लो भाई डिलीट। अच्छा, कितने लोग बोलोगे कि यार ट्रैश में है, चला गया है, ट्रैश में से कब डिलीट करोगे, तो लो भाई ट्रैश में चलते हैं, गूगल ड्राइव के ट्रैश में जाएगा ये, आई नो। देखो वहाँ से तो मैं रिकवर करूँगा नहीं, डिलीट कर दिया तो, बट अगर आप बोलते हो तो ट्रैश का सिर्फ वही नहीं, मैं पूरा का पूरा ही खाली कर देता हूँ, एम्प्टी ट्रैश, डिलीट फॉरएवर।
अब मैं इसे रिकवर भी नहीं कर पाऊँगा कभी भी। अभी खुश हो आप? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।